के सुंदर सुंदर फूल शोभा का भंडार है, तो प्यारे प्यारे पक्षी भी इसका श्रृंगार है। हाँ भैया जी, सुरवाटिका से अधिक सुंदर परम रमणीक धाम है। धन्य ये आराम जिसने राम को आराम है। लक्ष्मण, आज के लिए फूल अधिक हैं और न तोड़ो। हाँ भ्राता जी, दामन तो भर गया परंतु जी नहीं भरा। क्या हाथ उठाओ इन फूलों से, क्या फुलवारी से मुंह मोड़ूं। अच्छा है एक से एक यहाँ, फिर किसको तोड़ूं किसको छोड़ूं। लक्ष्मण, हमें अधिक स्वार्थी नहीं होना चाहिए। फूल अच्छे हैं तो तोड़ो, फिर करो कुछ गौर भी कि हम अकेले ही नहीं होंगे, इनके ग्राहक और भी। हाँ भैया जी, और ग्राहक भी आते हैं। आओ एक तरफ हो जाएं, स्त्रियां निकल जाएं तो आश्रम में चले जाएं। जो आ गया। Thank you.
नजर देख लेना। प्यारी शर्माती क्यों हो? क्या बुरा है जो किसी पर मटका चिल्ला रहा हो? शर्म आएगी जो मुंह में पसीना आ गया? ये पसीना नहीं है, दिखाता है असर अपना। कोई अफसोस फूलों पर, पसीना कहाँ है, पड़ गए हैं उस फूलों पर। अफसोस क्यों ना हो, अफसोस की तो बात है वो क्या? क्या तुम्हें इसका रूप नजर नहीं आता? मेरी दात ये तो ऐसे जान पड़ती है जैसे कोई दयावान माता हो। मेरे मन को तो इसने चलाए मान कर दिया है। इसमें कोई गंभीर कारण होगा? माना कि मन साफ है मेरा, ज्ञान पाक है, फिर भी निकल चलो जगह खूब नाक है। Thank you.
पूर्व सजाता शोभा के सब साज सजाता शोभा के सब साज सजाता इसलिए है मन को भाता इसलिए है मन को भाता अनुपम शोभा था अनुपम दज की भवन अन्न हद रोवन ऐशाने प्रभु हर बात निराली जुल्फों की लटक दे दिल को झटक रहे सर को पटक जैसे नागिन काली है ये कौन पहले वस्त्र पहने ये बिखरे हुए गहने ये आनंद आश्रम है या को भवन ओहो तो तुम हो प्यारी तुम हो इस शोकजनक अवस्था का कारण इस दुर्दशा का कारण उतर गए क्यों तमाम जेवर पड़े हुए हैं क्यों बल जमी पर लिबास क्यों है अंग पर मैला ये अंग क्यों है कठिन जमी पर नहीं कहा क्या किसी ने हाँ पर कहा है हाँ क्या तेरी नहीं पर अभी निकलवाऊं उसकी आंखें इशारे चश्म सुदमगी पर पड़ा है क्या दुख आज तुझ पर बयां कर कुछ तो हाल अपना
कसम है तुझे मेरी तड़प की, छुपा ना मुझसे मलाल अपना। किसने किसने ओ दगाबाज कौन है मुझसे कह कुछ है? हे वृक्ष से टूटी हुई लता, बता बता मुझे जल्द बता, क्या किसी निर्दोष को मरवाना है? मार दिया जाएगा। किसी अपराधी को बख्शवाना है? क्षमा किया जाएगा। किसी भिखारी को अमीर बनाना है या किसी अमीर को फकीर बनाना है? बोल बोल आकाश से गिरी हुई किन्नरी, बोल घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका, करूं राजा को मुफलिस या दलिद्र दूर मुफलिस का। उदड़ बाऊं अभी पत्तों से लाचा, तू कहे जिसका, करूं अपराध जो पूछूं कि क्या अपराध है उसका। टपकते हैं तेरे आंसू, बंदी है हिचकियां तेरी, वही इंसाफ है इस वक्त जो कह दे जुबां तेरी। छोड़ दीजिए मुझे इसी हाल में, छोड़ दीजिए झूठी मोहब्बत के झूठे रिश्ते, छोड़ दीजिए झूठी मोहब्बत झूठा रिश्ता। हाँ जो कुछ मुझे मंजूर है, ना आप दे सकेंगे और ना मैं ले सकूंगी। मेरी प्यारी से प्यारी कौन सी शय है जमाने में कि मैं इनकार कर बैठूंगा देने या दिलाने में। सुबह की सखावत और मुंह की मतानकी पर तो मामूली आदमी भी पकड़ जाते हैं, परंतु जब देना पड़ता है अच्छे अच्छों के मुंह बिगड़ जाते हैं। जहां पड़ता है कटना धर्म की जड़ काट लेते हैं, मुकर जाते हैं अपने थू को भी चाट लेते हैं। अच्छा मुझे आजमाने के लिए ही कह दिए तो सुगंध खा कर तो हो, जो मैं मांगूंगी वो ही दोगे। मुझे अपने खानदान में नहीं नहीं सारे जहान में सबसे प्यारा राम है। मैं राम की ही सौगंध खाकर कहता हूँ, जो तू मांगेगी वही दूंगा। देखो आई मुकर ना जाना, मुकर ना जाना। अफसोस क्या मेरा तेज नष्ट हो गया है, क्या मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया है, जो मुकर ना जाना कह देने की जरूरत महसूस हुई। अरे प्राण बलवे, कोई मुझे इंद्र का राज भी दे तो मैं राम की सौगंध न खाऊं, फिर राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मेरी जान पर, लानत है रघुवंश की आन पर। मांगो मांगो आज मैं अपने प्राण भी तुम्हारी इच्छा पर निछावर करने के लिए तैयार हूँ। इसी वक्त आपने मुझे दो बार देने किए थे? हाँ हाँ किए थे। मैंने वसूल किए हैं? नहीं, मेरे पास अमानत है। तो आज मेरी अमानत मुझे लौटा दो। मांगो क्या मांगती हो? मैं तुम्हीं को और तुम्हारे धर्म को साक्षी करके कहती हूँ कि तुमने राम की सौगंध खाई। देखो मैं अपना फिर ये ना कहना कि इसमें बुराई है या संकोच न कर, कुछ सोच न कर। रघुकुल रीत सदा यही चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो एक बार में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष वनवास। क्या कहा? क्या भरत को राज और आपस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। हाय मुझे लूट लिया, लूट गया मैं नारी छल से, लूट गया मैं अबला के बल से, लूट गया ये सखावत आज जुल्फे मार है। मत फंसो ये गुल नहीं ये खार है। क्या हो जाते रहे, क्या इसी विद्य पर तुता पानी था, क्या रघुकुल का घमंड और मान मान का पाखंड सब जुबानी था। विकार है कुछ पर और मुझ पर भी, ना मैं शूरी को दिल में रखता ना जिगर फिकार होता।
ना मैं जन मुरीद होता ना जलीलो खार होता। कैसी जलालत, कैसी कुबारी, दिल किस बात का रंजीदा है? क्या राम ही तुम्हारी औलाद है और भरत को बाजार से खरीदा है? मेरे शम से दुष्ट चरित्र कुल का नाश करने वाली पापी। हाय राम, सबको सही परंतु विद्या बोलने वाली तो नहीं, झूठी शेखी पकड़ने वाली तो नहीं। बस तेजे सुबह को म्यान में रख क्यों शोर मचा कर पकती है? दिल और जिगर को चीर दिया, ऊपर से नमक छिड़कती है। अरे दुष्टा, तू मेरे प्राण लेकर अपनी हसरत निकाल ले, परंतु अपने इन दोनों भरों पर एक बार फिर से नजर डाल ले। क्या तुमसे ये नहीं समझ आता कि ये मेरे बस की बात थी जो मुझे से करवाते हो? अच्छा अच्छा देख सुन, हाय मेरा जीवन आधार। कैकेयी कैकेयी, मुझे विश्वास है तुझे अपना सुहाग अपने हाथों से नष्ट करना मंजूर नहीं है। तू स्वभाव से भी ऐसी करूर नहीं है। तुमने जरूर मुझसे हंसी की है, कुछ गंभीर दिल लगी की है। कह दे जी हाँ की है। जबरदस्ती कह दूँ? तू जरूर कहेगी, मुझे सता कर कहेगी, मुझे बना कर कहेगी। कदापि नहीं, या तो प्रातःकाल राम ही तपस्वियों का वेश धारण करके मन को जाएंगे, या राजा दशरथ मुझे पवन उड़ाकर मेरा विमान उठाएंगे। अच्छा तू भरत को गद्दी पर बिठा ले, परंतु राम की खातिर मैं नहीं समझती ऐसे हिले वाले। देवी देवी, आखिर तू मेरी अर्धांगनी है, मुझ पर आए हुए संकट को आधा तू सहन करके डाल दे, आधा तू मुझ पर डाल दे। ना रहे तुली हुई इन दो के दो सवालों पर, अरे जरा तो रहम कर मेरे इन सफेद बालों पर। जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया है वही मैं भी उसके साथ करूंगी। उसने मेरे भरत को टालने के लिए ननिहाल बजवाया तो मैं भी उसके राम को मन में बजवा के ही पानी पीऊंगी। धर्म शास्त्र में एक ही स्त्री से विवाह करने की आज्ञा है। मैंने तीन तीन विवाह करके वैदिक धर्म की मर्यादा को तोड़ा है। अब जितना भी संकट मुझ पर रान पड़े वो थोड़ा है। हुआ दिल पे जब ना काबू, कहाँ रही दिलेरी? मेरे सर में मार ठोकर बस यही सजा है मेरी। जाओ कोई रामचंद्र को बुलाओ। दूध पीकर जहर उगलने वाली सांपन, क्या तू मुझे बताएगी कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे दुष्टा, वो तो तेरा सबसे अधिक अदब करता है। उसने अपने सरल स्वभाव से प्रजा को, दान के प्रभाव से गरीबों को, सेवा से ब्राह्मण और गुरुओं को, धनुष से शत्रुओं को जीत रखा है। भला उसको घर से बाहर निकालकर मैं कैसे जीवित रह सकूंगा? मांग कर ऐसे कठिन दो पर अयोध्या नाथ से तोड़ती है तू चूड़ियां अपनी अपने ही हाथ से। कल्याणी कल्याणी देख देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरा कल्याण कर दे, एक बार मुझे दान कर दे। दान का हौसला नहीं है तो बदल दे। नहीं कुछ नहीं है? कुछ नहीं कुछ नहीं तो बस कुछ नहीं,
जुबा कट पर जहन हो बंद तालो जल्द गल जा तुम। कहूंगा आराम से वरना कि जा घर से निकल जा तू। महाराज 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 क्या हुआ महाराज महाराज उठो महाराज उठो। राम पिताजी का क्या हाल है भाई? भरत और शत्रुघ्न तो सुकुशल हैं। पिताजी को कोई शारीरिक रोग तो नहीं? और रोज तो मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, छाती से लगाते थे, आज बोलते भी नहीं। क्या मुझसे नाराज हुए हैं? मैंने कोई अपराध किया है? जननी जो बात हो सुनाइए। रामचंद्र राजा शारीरिक रोग से पीड़ित नहीं, तुमसे खफा भी नहीं है, परंतु तुम उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारे हो, इसलिए जरा कठोर बात तुमसे कहते हुए संकोच करते हैं। संकोच? एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम आते? राम ने तो इसीलिए जन्म लिया है कि मेरे कामों पर संसार पुकार उठे, कि पितृ भक्ति इसी का नाम है। प्रथम तो ये मेरे पिता हैं, दूसरे गुरु, तीसरे राजा और चौथे हितकारी हैं। इनकी आज्ञा से तो मैं अग्नि कुंड में कूद सकता हूँ, समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ, जहर का प्याला पी सकता हूँ। माते मुझे तुमसे यही आशा है। मैंने जो कुछ भी महाराज से सुना है वो तुमसे कह देती हूँ, परंतु इस शर्त पर कि तुम उसमें शुभ और अशुभ का विचार ना करो और मुझ पर कोई इल्जाम ना करो। मेरी मजाल क्या है जो इनकार भी जरा करो, धिक्कार लाख बार जो उपली जरा करो। मेरे मुंह से सुनी हुई बात ऐसे ही समझोगे जैसे पिता के मुंह से सुनी हो? आज्ञा में आपकी शंका करे वो हम नहीं, हुक्म माता का पिता के हुक्म से कुछ कम नहीं। तो सुनो, महाराज ने मुझे दो बार दिए हैं, एक बार में खर्क को राज। अहो भाग्य, ये सुनकर मेरी आत्मा अत्यंत प्रसन्न हुई। राम लक्ष्मण भरत रिपुहन नाम ये बेकार हैं, एक है अंदर से केवल देखने में चार हैं, और दूसरे में राम को 14 वर्ष वनवास। बड़े हर्ष से शोक केवल इतना है कि इतनी सी बात के लिए पिताजी को तकलीफ दी गई। जो आप मुझे से कह देती दोनों काम हो जाते। जो सामग्री जमा की गई है उससे भरत का अभिषेक किया जाएगा और तुम तपस्वियों का वेश धारण करके वन को चले जाओगे। ऐसा ही होगा माते, ऐसा ही होगा, परंतु क्या पिताजी मुझसे बोलेंगे भी नहीं? नहीं नहीं, इस समय उन्हें अधिक दुख देना उचित नहीं। क्या तुम अपने वचन और पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते हो? राम राम जो कुछ कहता है वो करने के लिए ही कहता है बातें। तो मैं इस शुद्ध संकल्प में तुम्हारा हाथ बटाती हूँ, तुम्हारे लिए बब्बे बस्तर लाती हूँ। अच्छा सुनो, क्या तुम कौशल्या से मिलकर जाना चाहते हो या यहीं से? जिसमें आप प्रसन्न हो बातें। अच्छा भेजती हूँ, मिल लो।
1 अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।